शास्त्र कहता है अगर बेटी कुमारी है और वह बाप की थाली में बैठकर भोजन करती है, जब तक बेटी कुमारी रहे तब तक वह बाप के साथ पिता के साथ भोजन करे तो उस पिता की कभी अकाल मौत नहीं होती, उस बाप की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि बेटी बाप के काल का भी हरण कर लेती है। ऐसी घर की बेटियां होती हैं, जो काल का हरण कर रही हो, जो काल को भी जीत लेती हैं, वो बेटियां होती हैं। इसलिए बेटी जब तक कुमारी हो वो अपने पिता के साथ बैठकर भोजन करे, अपने बाप के साथ बैठकर भोजन करे। तीन चीजों से दूर रहना, दूसरे की तीन चीजें हमारे पास नहीं आना चाहिए, एक पांव की चप्पल जूता, दूसरे नंबर पर छाता, तीसरे नंबर पर मांग का टीका। संध्या के समय न भोजन करना चाहिए न देहरी पर बैठना चाहिए। ध्यान दे दें, घर में अगर आप चिर स्थाई काल तक लक्ष्मी को रखना चाहते हैं, घर में अगर अलक्ष्मी का वास नहीं करवाना चाहते हैं, तो ये बात गांठ बांध लें। किसी देवी के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाना, किसी देवी के मंदिर में जाकर चूनर चढ़ाना, किसी देवी के मंदिर में जाकर अगरबत्ती लगाना, किसी देवी के मंदिर में जाकर दीपक लगाने से बड़ा पुण्य मिलता है किसी नारी पर कभी पर दृष्टि मत दो, बेकार दृष्टि दृष्टि। मंगल सूत्र हमारे को स्त्री को जब शादी का समय होता है उसका पति उसके गले में जो मंगल सूत्र पहनाता है उस मंगल सूत्र में काला पीला, काला फिर सोने का, काला फिर सोने का दाना, फिर पेंडिल होता है। वो मंगल सूत्र शादी के मंडप में पति पत्नी को क्यों पहनाता है उसका एक कारण होता है, पति पत्नी के गले में मंगल सूत्र देते समय कहता है इस मंगल सूत्र को देख लो, इसमें एक काला धागा है तो एक पीला दाना है, मतलब अपनी जिंदगी पूरी एक जैसी कभी नहीं रहती, जीवन में काले दिन भी आते हैं तो सोने जैसे चमक वाले दिन भी आएंगे। घंटी मंदिर में भगवान को जगाने के लिए नहीं बजाई जाती, घंटी इसलिए बजाई जाती है कि हम अपने दिल की बात अगर परमात्मा से कह ना पाए तो ये घंटी हमारे दिल की बात परमात्मा से कहती है।